भगवान ने सीता और राम की जोड़ी बनाई है। नौकरों को तुझको इतनी भी तमीज नहीं है कि जब घर में मालिक या मालकिन हो तो नौकर को सीटी नहीं बजानी चाहिए? ये जी क्या कर रहा है? आइंदा अपनी इज्जत में रहना वरना कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। अरे देख क्या रहा है? ए, हट। एक काम कर, जा मेरे से एक गिलास गरम दूध लेकर आ, और फिर थोड़ा तेल गरम करके ला, जरा मेरे सर में मालिश कर दे, सर में दर्द हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे मैं तुझसे कह रहा था ना, ये पागल है क्या? नहीं डैडी, वो मार खाएगा मेरे हाथ से। अरे चल चल चल। अरे सुन, ये दोबारा मेरे सामने आना तो जरा ढंग के कपड़े पहन के आना। ये क्या जो करो जैसे कपड़े पहनता है? भैया जात का नौकर है, देखो कितना फर्क है, कहां ये कहां मेरा दामाद। अरे तू कहां जा रही है? अच्छा वो दामाद से याद है, वो हमारे दामाद जी का नजर नहीं आ रहा। दामाद? डैडी मैं तो कैसे बताऊं, वो तो अभी यहां से बाहर गया है। अरे लक्ष्मी, दामाद तो बाहर गए। दामाद की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए, बड़े डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। हाँ भाई ये तो है, चलो ठीक है, वैसे भी हम लोग 10-15 दिन तो यहाँ रुक ही जाएंगे। जी 10-15 दिन? क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं डैडी, ये तो बहुत कम है। नहीं अभी तो वादा नहीं कर सकता, अगर जगह अच्छी लगी और मौसम ठीक लगा तो फिर ज्यादा भी रुक सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, उससे भी ज्यादा। तो एक काम कर, उस चिलगो से जाके कह मेरे जरा नाने का पानी गर्म करे और इन सब लेकर आए। ठंडा लेकर आए रे। नाराज हो? सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तुम इसे थोड़ी कहती हो? तुम्हारे पिताजी ने आते ही मेरा फजीता कर दिया। ठीक है मैं गरीब सही, लेकिन मैं उनका दामाद हूँ। आते ही मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। बस सूरज, सिर्फ थोड़े दिनों की तो बात है। थोड़े दिनों की? हाँ, यानी कि जितने दिन यहाँ रहेंगे मुझे नौकरी समझते रहेंगे। वो क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें घर का नौकर समझ लिया है। क्यों समझ लिया भाई? इसलिए कि मेरे कपड़े गंदे थे? क्या कोई अपने घर की सफाई नहीं कर सकता? चलो भाई समझ भी लिया तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम जाकर उनकी गलतफहमी दूर करो कि मैं कोई नौकर नहीं, तुम्हारा पति हूँ, उनका सन इन लॉ हूँ, इंट्रोड्यूस करो। उन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया। अरे मौका नहीं दिया तो आप जाकर कहो। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ और हो गई है। अब क्या? डैडी तुम्हें नौकर समझ बैठे हैं और विजय भैया की तस्वीर देखकर उन्हें अपना दामाद समझ बैठे हैं। ठीक है, गलतफहमी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं जाकर कहता हूँ। नहीं सूरज, नहीं, तुम्हें मेरी कसम। कमाल है, हिम्मत देने के बजाय तुम मुझे मुझे कसम दे रही हो। अरे तुम चाहती हो कि वो हमेशा मुझे नौकरी समझते रहे? नहीं, बात ये है, हम लोगों ने डैडी की मर्जी के खिलाफ शादी की ना, तो जब डैडी को पता चला तो उनको गहरा सदमा पहुंचा और बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक हुआ? हाँ, और डॉक्टर ने कहा है जब कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई या उनको जरा सा भी सदमा पहुंचा तो डैडी डैडी शायद। अरे नहीं आशा, आशा रो मत, कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर ऐसी बात है, इधर देखो, अगर ऐसी बात है तो डैडी की खातिर मैं नौकर बन जाता हूँ, इसमें क्या? चीयर अप। थैंक यू सो मच सूरज। 2-4 दिनों के बाद मौका देखते मैं डैडी को सब बता दूंगी। हाँ? हाँ, अच्छा एक काम करो, तुम डैडी के पास जाओ, तुम डैडी के पास जाओ, मैं वो गरम तेल और दूध लेकर आता हूँ। जाओ। ये जो तेरा पति है ये इंसान कैसा है? अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। भाई हमारे दामाद जी हैं कहाँ, कब आने वाले हैं? आपका दामाद तो आपके सामने है। कहाँ है? कहाँ है दामाद?
कहाँ है दामाद? कहाँ है दामाद? वो है ना तस्वीर में वो मजाक करता मेरे साथ, मजाक करेगा मेरा तेरा नहीं दूंगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अबे ओ अंधे, मैं इधर खड़ा हूँ। सेठ जी, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, चलिए हाथ ऊपर कीजिए, मुझे इंजेक्शन लगाना है। मुझे नहीं लगवाना, तू पहले चश्मा तो लगा। आप क्या समझते हैं कि चश्मे के बिना मुझे नजर नहीं आता? हंसिए मत, हंसिए मत। अबे ओ, वो हंस रहा है। आप हंसिए मत, आप इंजेक्शन। अरे इधर घूम यार, तू मेरा सर मत रख। क्या सारा गुस्से का सत्यानाश कर दिया? आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया, आप हाथ ऊपर कीजिए। इंजेक्शन लगाना है? तुझे बिना चश्मे के दिखता है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ दिखता है। साइड में आके लगा, पब्लिक को पता चल जाएगा। वरना ये ले, मैंने आस्तीन ऊपर कर लिया, ये रहा मेरा बाजू, लगा। कितने बड़े बड़े मसल हो गए आपके। रोज वर्जिश करता हूँ। क्यों सेठ जी, दर्द तो नहीं हुआ ना? मस्के की तरह लगाया ना? तेरे इंजेक्शन से मुझे कभी भी दर्द नहीं होता। हंसिए मत, हंसिए मत सेठ जी, वेरी बैड। अभी मैंने इसका क्या असर किया था देखा था ना, इसलिए चुपचाप खड़ा है। डैडी, अब आप जाके सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाके सोती हूँ। तू जाके सो जा। ओके डैडी, गुड नाइट। बीबी जी के कमरे के बाहर सोने, वो रातपाली देनी ना, वो सिक्योरिटी, वो बॉडी गार्ड। रातपाली करनी है ना, तो बंगले के बाहर जाके सो। नहीं, वो बंगले के बाहर। बंगले के बाहर कैसे? आप मेरी बात सुनिए, अभी आपको रात को सोने से पहले विटामिन की गोली खानी है, और विटामिन की गोली खाने के बाद आपको।